काशीपुर में नगर निगम की पूर्व पार्षद राधेश्याम प्रजापति के भतीजे के घर पर नगर निगम राजस्व विभाग और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान कुल 66 पेटियां प्रतिबंधित प्लास्टिक की बरामद की गई है, जिसमें से 51 पेटी डिस्पोजल ग्लास की और 15 पेटी चम्मच की बरामद हुई है। सहायक नगर आयुक्त यशवीर राठी ने कहा कि लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध नगर प्रशासन अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में पूरी टीम ने छापेमारी की है। इस मामले में फैक्ट्री संचालक पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। जैसा कि कई दिनों से नगर निगम प्रशासन लगातार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के बड़ी कार्रवाई करने या बड़े जो हमारे भंडारण करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना है, उसी कड़ी में आज ये डकिया गुलाबो में एक मकान पर छापेमारी की गई, जिसमें 51 पेटी प्लास्टिक के गिलास जो प्रतिबंधित हैं और 15 पेटी चम्मच जो प्रतिबंधित हैं उनको जब्त किया गया है और उनको चलाने की कार्रवाई जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जा रही है। इसको यूज उसी के तहत आज हमें सूचना मिली थी कि डकिया गुलाबो रोड पर एक आवास है, उस पर जो प्रतिबंधित प्लास्टिक मटेरियल है ये रखा गया है। उसी के तहत स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की टीम और प्रदूषण ने छापेमारी की और इसमें लगभग 51 पेटी प्लास्टिक के ग्लास वो पाए गए और हमारे 15 पेटी चम्मच प्लास्टिक के चम्मच ये पाए गए।